हाय एवरीवन, आज हम नेचर पेंटिंग बना रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सीन बना रहे हैं फॉरेस्ट। व्हाइट कलर लिए हैं, येलो। पानी डाल के नहीं लेना ये कलर, डायरेक्ट कलर ही लेना है। वायोलेट, अगर आपके पास वायोलेट कलर नहीं है तो आप पिंक कलर ले सकते हैं, रेड में थोड़ा सा वाइट डाल के। अगर वायोलेट कलर है तो आप ये कलर ले सकते हैं। पर्शियन ब्लू, अगर आपके पास पर्शियन ब्लू कलर नहीं है तो नॉर्मल ब्लू कलर में थोड़ा सा ब्लैक ऐड करके पर्शियन ब्लू कलर बन जाएगा। सारे कलर को शेडिंग करना है। शेडिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रोक जो है कुछ सीधा भी रहे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहे। ऑरेंज का स्ट्रोक बड़ा देना है येलो और पर्पल के स्ट्रोक से। स्ट्रोक देते हुए इस समय पानी का यूज कर सकते हैं। सीधा ही स्ट्रोक पे हम पर्शियन ब्लू को भी अभी मर्ज कर दिया है। जब भी ये स्ट्रोक दो तो सीधा स्ट्रोक दो, मैं स्लेटिंग में दे रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है, स्लेटिंग में भी देना है।
मार्क्स करते जाना है वन ही डायरेक्शन में। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या हो रहा है, पर आप जब भी ये काम करो तब ये काम बार बार देखो और फिर उसके बाद करना, तो आपको स्टेडी आ जाएगा। मैं ऑरेंज कलर वापस ले रही हूँ क्योंकि मैं वाटर कलर यूज़ किया है, डार्क कलर से तुरंत ही मर्ज हो जाता है, हमें कलर ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ करते हो तो आपको दोबारा ये स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपल पतली सी लाइन खींच के उसको स्ट्रोक देना है। येलो कलर है तो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने ऑरेंज किया था, लंबा स्ट्रोक देना है। वही ब्रश आपको सारे में स्ट्रोक दे दीजिए। येलो कलर भी है ब्लैक कलर लिया है, ग्रास ड्रो करें पतले वाले ब्रश यूज करना है। सिर्फ टेप करना है, टेप टेप करते जाओगे ग्रास बनती जाएगी। ट्री की ब्रांचेस ग्रो कर रहे हैं, जब भी ट्री की ब्रांचेस ग्रो करो तब एक बार ध्यान रखना आपका ब्रश के आगे का पार्ट जो है उससे ही आप करना पतला पतला। बहुत ज़्यादा प्रेस करके ब्रश का यूज करोगे तो ट्री की ब्रांचेस ब्रॉड हो जाएगी। सो पतली करने के लिए आगे का पॉइंट का पार्ट ही यूज करना है।
ये वाले ट्री में इन्हें लास्ट हमारा जो क्लास था उसमें मैंने समझाया था किस तरीके से करना है, किस तरीके से ये वाले करना है, टैप टैप करके ट्री बनाना है। जब भी ट्री बनाऊं तब कलर का ज्यादा यूज नहीं करना है, लाइट लाइट ही लेना है तो ही यूज करेगा। वाटर कलर है तो आपको दोबारा इसको स्ट्रोक करना पड़ेगा ताकि ये कलर सूख जाएंगे, बिकॉज ब्लैक कलर उतना दिखेगा नहीं पूरा। अगर आप अच्छा ही कलर यूज करते हो तो एक ही बार में उसका काम खत्म हो जाएगा, तो आपको दोबारा ये करना नहीं पड़ेगा। अगेन व्हाइट रंग का पतला सा स्ट्रोक दे रहे हैं, पर ध्यान रखना ज़्यादा व्हाइट कलर नहीं लेना है। आगे ब्रश काले का जो पॉइंट है वही निकाल के उसको लाइट लाइट स्ट्रोक दे रहे हैं। ऐसा दिखना चाहिए कि लाइट आ रही है। अभी मॉर्निंग का ये पिक्चर्स रेडी कर रहे हैं। ये हमारा ड्राइंग अभी रेडी होने को आया। ये हमारा ड्राइंग रेडी है।